आज मैं जा रहा हूँ अभी जो है फोर्थ सर्विस करने के लिए, और मेरा गाड़ी अभी देखो 7267 किलोमीटर चल चुका है। सो बेसिकली ये सर्विस का कुछ ज़रूरत नहीं था, क्योंकि जो है थर्ड सर्विस पे मेरे को AMC मतलब क्या बोलूँ मैं चिप दिया था। AMC मतलब मुझको उतना कुछ मालूम नहीं था, तो ऑलमोस्ट AMC का जो है प्राइस है 4400 के आसपास पड़ा था मुझको। और मैं अगर जनरल सर्विस करवा लिया होता थर्ड सर्विस पे, क्योंकि उसमें लेबर फ्री है, तो मेरे को लगभग 3100-200 के आसपास पड़ता था। बट मुझको मालूम नहीं था, तो उन टाटा वालों ने बोला जे सर AMC करवा लो, उसमें आपका मतलब बेनिफिट होगा। लेकिन उसमें बेनिफिट मुझको नहीं हुआ, हालांकि उसमें मुझको ऑलमोस्ट 1500 रुपया का लॉस हुआ, क्योंकि उसे ज़्यादा देना पड़ा। हाँ, ये चीज़ है कि मुझको एक सर्विस फ्री मिल रहा है, बट मतलब जिस तरह मैं चलाता हूँ, मतलब 7000 अभी चल चुकी है 1.5 साल में, तो मुझको उतना ज़रूरत नहीं था। सो दिस इज़ द थिंग। और इस सर्विस में उतना कुछ मेरा गाड़ी में काम भी नहीं है, थोड़ा सा ब्रेक को एक बार चेक कराना है, और नॉर्मल पीछे वाला जो है डोर से थोड़ा सा रेटलिंग का जो है नॉइज आ रहा है, तो वही चीज़ एक बार दिखाऊंगा। सो दिस इज़ द थिंग, और मैं देखता हूँ क्या कुछ है क्या नहीं। सो चलो अभी मैं दिल्ली रोड पे हूँ और मैं जा रहा हूँ। और ये जो अभी चीज़ है वायरलेस एप्पल कार प्ले अभी जो है ठीक ठाक वर्किंग हो रहा है। इससे पहले एक वीडियो पे मैंने बोला था जे इसका कनेक्टिंग में कुछ इशू आ रहा था, बट अभी ठीक ठाक चल रहा है। देखो मैं आईफोन से वीडियो कर रहा हूँ और इसमें अभी भी कनेक्ट है। दिस इज़ द थिंग। सो मैं ऑलमोस्ट सर्विस सेंटर के पास आ गया हूँ, और देखो माइलेज देखो अभी। सो दिस इज़ द थिंग। अभी मैं मेरा फोर्थ सर्विस हो गया। अभी मैं जस्ट मैं गाड़ी को शोरूम से लेके इधर पे आया। सो गाड़ी में उतना कुछ काम नहीं था, सिर्फ जो है गाड़ी को वॉश करके दे दिया, और कुछ नहीं। और पीछे जो एक था काम छोटा सा, वो एक्चुअली सर्विस पे नहीं आता है, सो उसका काम किया। सो दिस इज़ द थिंग। एंड अगर AMC मुझको मतलब मैं नहीं लिया होता, तो मैं सर्विस करवाने के लिए आता ही नहीं। सो और एक चीज़ मुझको जानने के लिए मिला, पांच का जो है वॉशिंग का चार्ज नियरली 650 प्लस टैक्स, और जो जनरल सर्विस है 950 प्लस टैक्स आता है। बट अभी जो उधर का जो सर्विस एडवाइज़र है वो बोला आपका जो मतलब इसके बाद का जो सर्विस है उसमें इंजन ऑयल चेंज और स्पार्क प्लग कूलेंट ऐसे करके सब कुछ मिला के ऑलमोस्ट 6500 के आसपास का बिल आएगा। अगर उसमें व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग मिलाएगा तो ऑलमोस्ट 1200 और एक्स्ट्रा, मतलब ऑलमोस्ट 7500-8000 का बिल आएगा। सो मैं थिंग इज़ कि अभी जो है मेरा गाड़ी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड के आसपास, मतलब अभी भी 300 नहीं हुआ, तो 7300 के आसपास चल चुका है। सो मुझको नहीं लगता है कि नेक्स्ट सर्विस तक मेरा गाड़ी 10-12 हज़ार चलेगा। सो अभी मैं यही सोच रहा हूँ, अगर मतलब जिस टाइम पे मतलब मैंने फास्ट इंजन ऑयल चेंज किया था उस टाइम तक गाड़ी 10-12 हज़ार नहीं चलेगा, तो मैं बाहर से शायद इंजन ऑयल चेंज कर लूँगा। और अगर मतलब जिस टाइम पे गाड़ी का ऑलमोस्ट 15000 किलोमीटर कवर होगा, तो उस टाइम पे आके जो चीज़ बोला उस टाइम पे मैं करवाऊँगा। यही मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं देखता हूँ क्या होता है। अगर बुडमो में जो है इसका जो है ऑयल फिल्टर मिलेगा, तो मैं बाहर से शायद इंजन ऑयल चेंज कर लूँगा। उधर मोटुल का इंजन ऑयल मैंने देखा, मेरे गाड़ी में 5W30 का इंजन ऑयल डाला था मोबिल वन का। सो मैं यही सोच रहा हूँ जे मोटुल का अगर होगा तो 5W30 का अच्छा इंजन ऑयल मिल जाएगा, तो मैं बाहर से अभी चेंज कर लूँगा अभी तक के लिए। और बाद में जब 15000 किलोमीटर होगा, तो उस टाइम पे जो चीज़ है करना है तो मैं कर दूँगा। सो दिस इज़ द थिंग। क्योंकि मेरा गाड़ी उतना चलता नहीं है, तो इतना सर्विस में इतना ज़्यादा खर्चा करने का मुझको तो मतलब सेंस नहीं लगता है। सो यही है फोर्थ सर्विस का यू कैन से कि रिव्यू उतना। सो और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, ये AMC का फ्री सर्विस है, लेकिन मैं क्या बोलूँ, ये जो है देखो स्टीयरिंग में एक वाइट सा एक कवर दिया है, और सीट पे भी था वाइट सा एक कवर,
इसके लिए 52 रुपीज के आसपास चार्ज किया है। मुझको तो ये नहीं लगता है, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री देना चाहिए, क्योंकि जो है AMC में भी जो फ्री सर्विस है उसमें भी चार्जेस पहले से इंक्लूड था, 4400 आसपास का मैंने बिल दिया था उस टाइम पे। सो ये चीज़ तो उसमें भी मतलब उस पर तो ये चीज़ इंक्लूड होना चाहिए, तो इसका अलग से पैसा क्यों लिया। और मैंने क्योंकि ये 50 रुपीज़ का बात है तो मैंने कुछ बोला नहीं, चलो मैंने दे दिया, और क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है मेरे पास अभी ये सब बोलने का। सो दिस इज़ द थिंग, ये चीज़ मुझको सिर्फ एक चीज़ है जो अच्छा नहीं लगा। चलो एक्सप्लोर राइडर साइनिंग ऑफ। बहुत दिन के बाद मैंने जो है सर्विस वाला एक वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि अभी उतना टाइम मुझको नहीं मिलता है गाड़ी को लेके बाहर जाए के उसके बाद वीडियो। हाँ, मेरे पास अभी कुछ है जो वीडियो बनाने के लिए, जैसे जो है ये डैश कैम का जो रिव्यू, सिरामिक कोटिंग का रिव्यू। सो मैं अभी जो है दिवाली का टाइम है, दिवाली के टाइम के बाद मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगा, तो उस टाइम पर मैं ज़रूर जो है वीडियो करूँगा। सो या तब तक के लिए या चलो, थैंक यू एक्सप्लोर राइडर साइनिंग ऑफ।